अब हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज पूर्ति की कीमत लोच। इसका मतलब क्या है कि पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी कह रहे थे तो लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स इन विच डायरेक्शन सप्लाई विल चेंज। हमने इसमें भी किया था लॉ ऑफ डिमांड में कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बताते हैं कि डायरेक्शन बताते हैं, यानी कि दिशा बताते हैं कि कहाँ पर आपकी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो बताता है कि कितना कितनी हाउ मच, यानी कि कितनी सप्लाई बढ़ेगी और कितनी सप्लाई घटेगी। मतलब ये तो बताता है कि बढ़ेगी या घटेगी, सिर्फ ये बताता है लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब पूर्ति का नियम। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बताते हैं कि जो ये बढ़ना या घटना है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है सप्लाई, वो कितनी कितनी होगी या हाउ मच, कितना कितनी इंक्रीज होगी और कितनी डिक्रीज होगी, हम वो निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यूज़ करके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा जैसे उसमें था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला, इसको ही हम खोल के लिखे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको, जैसे उसमें था डिमांड में चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, ये सेम बिल्कुल डिमांड की तरह, बस जो डिफरेंस क्या आएगा कि एक तो यहाँ पर क्वांटिटी एस लिख देना, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, इससे याद रहेगा कि ये सप्लाई वाला फॉर्मूला है। दूसरा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा आप यहाँ पर, जैसे डिमांड वाले चैप्टर में यहाँ पर फॉर्मूले में क्या था, माइनस साइन था, माइनस साइन क्यों था, नेगेटिव रिलेशन था, यानी कि ऋणात्मक संबंध था किस किस के बीच में, प्राइस में और डिमांड में। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ साइन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का।